अब आया, रेडी? अब आया, हाउ टू रिकॉग्नाइज द डेल्टा मेरा पेशेंट? तो डेल्टा मेरा पेशेंट कैसे पहचानोगे? ये सब छोटी छोटी मेडिसिन से जो हम इसे याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। हाउ डू रिकॉग्नाइज डेल्टा मेरा पेशेंट्स? इट इज ए ग्रेट साइकोसोनिक मेडिसिन। साइकोसिस भी है, सोनिक भी है, यानी स्किन प्रॉब्लम भी है, ग्रोथ भी है। साइकोसिस, ग्रोथ। साइकोटिक ऑब्जेक्ट प्रोन टू डेवलप द कैटरल नेजल सिम्टम, कैटरा सिम्टम, रूमेटिक और हर्पीस होना। डलकमरा कंप्लेंट ड्यू टू वर्किंग इन डैम्प वेदर में, अगर कोई काम करता है या एसी में बहुत ज्यादा वो काम करता है, उससे उत्पन्न रोगों के लिए डलकमरा जाना जाता है। कॉन्कोमिटेंट इडिमा स्पेशली फीट, पैरों में सूजन, सर्दी और ठंडा के साथ में अगर पैरों में सूजन है, देन यू डलकमरा। कंफ्यूजन विद डिफिकल्टी स्पीकिंग, वो कंफ्यूज रहेगा बोलने में, अचकाचाहट रहेगा, क्या बोलूं मैं, क्या नहीं बोलूं, कंफ्यूजन रहेगा बातों करने से। हैस्टी स्पीच एंड एक्टिविटीज, पूरा हैस्टी स्पीच रहेगा, क्या क्या दर 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 बोलते जाएगा, कुछ को कुछ समझ में नहीं आएगा। थर्स्टी विद डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, पानी का प्यास बहुत रहेगा लेकिन ठंडा पानी पीने का प्यास ज्यादा रहेगा। डलका मारा कटिंग पेन अराउंड द अम्बालिकस, अम्बालिकस के चारों तरफ में छुरी कटने जैसा, काटने जैसा दर्द रहेगा, सीना और स्क्रीनम में भी आता है। वोमिटिंग एंड डायरिया दोनों डलका मारा में देखा जाता है, वोमिटिंग भी रहेगा और डायरिया भी रहेगा। एक और सिम्टम फ्रीक्वेंट, जैसे बार बार पेशाब करने जाएगा, बार बार पेशाब करने जाएगा। और एक सबसे बड़ा सिम्टम है, देखो, इसका थिक ब्राउन क्रस्ट रिंगवर्म, गोल रिंगवर्म उसके सिर पर रहेगा, एकदम ब्राउन रहेगा, थिक रहेगा, मेजीरियम के जैसे। मेजीरियम में रिंगवर्म नहीं होता है, चपड़ा जाता है जियोलॉजिकल स्टडी। डलका मारा पोटोसिस है, आंख बंद हो जाना, ये डलका मारा में भी है। सत्य आपको कॉज खोजना है कि ये डैम्प वेदर में हुआ या एसी में काम करता था, ये सोचना है, खोजना है। कोरेजा एंड डायरिया ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंडा लग जाने का सर्दी होना और डायरिया हो जाना कॉमन बात है। डलका मारा का जीभ क्या होता है, फ्लेवी रहता है, बहुत मोटा रहता है जीभ, ट्रेम्बलिंग, डिफिकल्ट स्पीच, बोलने में उसको तकलीफ होता है और जीभ थोड़ा कांपते रहेगा, जिकाल निकालेगा तो हिलते रहेगा। रिटेंशन ऑफ इनकंट्रोल सीरीज आफ्टर कोल्ड स्पीच, थोड़ा सा भी ठंडा लग जाएगा उसका पेशाब बंद हो जाएगा। तो हमेशा कॉज हमेशा खोजते रहना, तभी डलका मारा के पास पहुंचोगे। लेकिन गर्म सेक से उसको, गर्म से उसका आराम मिलता है, एक्सेप्ट खांसी और पित्ती निकलना, रेड रेड इरप्शन अटिकारिया निकलना, तो छोड़ करके बाकी सब कंप्लेन हीट से कम हो जाएंगे। पैरालिसिस और कोल्डनेस ऑफ द पार्ट, जिस एरिया में पैरालिसिस रहेगा वो ठंडा रहेगा। कौन कौन से दवाई है, आर्निका, लेडम एंड रेस्टेस, और तीसरा हो गया लेडम, सॉरी तीसरा क्या हुआ, डलका मारा। तो ये एक दो तीन चार दवाई है, उसको अगर छूते हो पैरालिसिस पार्ट, अगर ठंडा रहता है तो आपको ये चारों दवाई को सोचना है और चारों का टोटलिटी लेके जिस पर होता है वो देना है। आपके पास मेडिसिन कम हो गया, पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट, कॉस्टिकम भी है, डलका मारा भी है, कोई भी सिंगल पार्ट एक एरिया में, एक एरिया में
क्योंकि सिंगल पार्ट में पैरालिसिस होगा। हाथों के तलुए में पसीना आना, पाम के ऊपर पसीना आना, स्वीट ऑन पाम। डेल्टा हमारा पेशेंट मेन होता है प्रफुल्ल सर्वेशन, बहुत सर्वेशन होगा। यहाँ पर मर्कुरी से भी तुलना कर सकते हो, ठीक है, सर्वेशन बहुत ज्यादा होता है, मुंह से लार निकलना। इसका वाट कैसा होता है देखो, डेल्टा हमारा का वाट, स्किन फ्लैट वाट होगा, डोर्सम ऑफ द हैंड फिंगर फ्लैट थी क्रस्ट के अब से निपल हुई, ऊपर का जो हिस्सा रहता है फ्लैटेड रहेगा, मशा फ्लैटेड अगर मशा है ऊपर उठा हुआ देन थिंग दी डल का मारा, जितना भी थुजा खिला दोगे वो ठीक नहीं होता है। एग्रेवेशन चेंज ऑफ वेदर कोल्ड वेट रेस्ट नाइट, हमेशा वेदर चेंज होने से उसको तकलीफ हो जाता है, बढ़ जाता है। एमरेशन बाय मोशन एंड वार्म, मोशन में और गर्म सेक में रहते हैं, अष्टक की भी तुलना कर सकते हो। फेस वाट इरप्शन स्पेशली बिफोर मेंस के पहले वाट्स हो जाना बाकी चला जाना, येलो एंड ब्राउन क्रस्टेस, ये ब्राउन टाइप का क्रस्ट टाइप का रहेगा। एक ये देख लो कैलोसिटी और डोर्सम ऑफ द फूड्स, फूड्स के ऊपर में कड़े कड़े गट्टे गट्टे हो जाते हैं ना, देखे होगी, दैट इज डेल का हमारा मेडिसिन, ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.